सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे आरडीओ स्टार्टर का ड्राइंग कैसा होता है, काम कैसा करता है, कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं कंट्रोल डायग्राम। तो ये एक आरडीओ स्टार्टर का कंट्रोल डायग्राम है। आरडीओ का मतलब पता है, रिवर्स ड्यूल स्टार्टर, ठीक है, जिसमें हम फॉरवर्ड या रिवर्स मोटर को दोनों डायरेक्शन में चला सकते हैं। तो ये जो कंट्रोल डायग्राम है मेरा है, ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। तो जो पॉजिटिव साइड है, इसमें पहले फ्यूज दिया जाता है, उसके बाद ऑफ पुश बटन, तो आपका पता है कि एनसी में रहता है, ये ऑफ पुश बटन एनसी में है, और ये फॉरवर्ड पुश बटन है, ये रिवर्स पुश बटन है, ठीक है। जब मेरा फॉरवर्ड, मैं फॉरवर्ड चलाना चाहूँगा, जैसे मैं फॉरवर्ड दबाया, मेरा क्या है ना, ये है, जैसे कि मेरा फॉरवर्ड जब चल रहा है तो रिवर्स नहीं चलेगा। इसके लिए मैं एक यहाँ पे इंटरलॉक लिया रखा हूँ, मतलब ले रखा हूँ, ये सब में रहता है। तो क्या है ना, जो एक K2 कॉन्टैक्टर है, ये क्या है ना, ये रिवर्स कॉन्टैक्टर है और ये फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है। जब मैं प्रेस करूँगा फॉरवर्ड पुश बटन प्रेस करूँगा, तो ये अगर चल रहा होगा, अगर मैं मान लीजिए रिवर्स चल रहा है, तो ये मेरा ओपन होके रहेगा। जो ये अभी NC है ना, ये नॉर्मली ओपन रहेगा, तो इसको चलने नहीं देगा, इसके वजह से, इस पर्पज के वजह से इसको दिया गया है। तो जब मैं फॉरवर्ड करूँगा, अगर रिवर्स नहीं चल रहा है, तो अगर फॉरवर्ड जब करूँगा तो मेरा K1 कॉन्टैक्टर पिकअप हो जाएगा। जब K1 कॉन्टैक्टर पिकअप हो जाएगा, तब क्या है, मैं ये पुश बटन छोड़ दूँगा तो ये नहीं चलेगा ना, सर्किट कम्प्लीट नहीं होगा। तो उसकी वजह से क्या है ना, K1 का जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, मैं यहाँ पर लिया हूँ, इसकी वजह से क्या होगा, जब मैं फॉरवर्ड पुश बटन को छोड़ दूँगा, तो ये K1 कॉन्टैक्टर का जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट मैं यहाँ लिया हूँ, तो सप्लाई इसके थ्रू आके कॉन्टैक्टर को आएगा, जिसके कारण मोटर चलता रहेगा। जब रिवर्स चलाना होगा, तो ये रिवर्स पहले बंद करना पड़ेगा। पहले बंद करने के बाद मैं जब रिवर्स चलाऊंगा, जैसे रिवर्स का पुश बटन दबाया, तो ये क्या हुआ ना, फॉरवर्ड नहीं चलना चाहिए, ये K1 कॉन्टैक्टर का इंटरलॉक है। अगर फॉरवर्ड चल रहा है तो ये वाला ओपन रहेगा, अगर मेरा फॉरवर्ड नहीं चल रहा है तो क्या है ना, ये K1 कॉन्टैक्टर NC में रहेगा। तो जब मैं रिवर्स का पुश बटन दबाया, ठीक है, मेरा K2 का कॉन्टैक्टर पिकअप हुआ, तो इसको भी वही है, लेस करने के लिए मैं यहाँ पे एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लिया हूँ K2 को। जैसे ही मैं दबाया, सर्किट कंप्लीट हुआ, ये पिकअप हो गया, ये जब भी पिकअप हो जाएगा, ये मेरा NC हो जाएगा। ये जब NC हो जाएगा, मेरा सप्लाई इस मतलब कॉन्टैक्ट के थ्रू में चलता रहेगा, ठीक है। अभी चलते हैं पावर डायग्राम के ऊपर। ये पावर डायग्राम में क्या है ना, जैसे ही मैं फेज टैपिंग किया, तीनों फेज, इसके पहले फ्यूज एक दे दिया, फ्यूज देने के बाद आप देख पा रहे हैं RYB तीनों फेज लिया, और ये K1 का फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है, जब फॉरवर्ड घूमने के लिए RYB। अब रिवर्स घुमाना है, तो ये क्या हो गया, K2 मेरा क्या, मैं यहाँ बताया था K2 मेरा रिवर्स कॉन्टैक्टर है, तो सेम टू सेम यहाँ पे वही है। तो K2 मेरा जब रिवर्स चलाना होगा, तो क्या होगा, हम लोग को क्या करना पड़ता है रिवर्स करने के लिए, एनी टू फेज को ऑल्टरनेट कर देना है। तो मैं यहाँ पे भी वही किया हूँ, देखिए R फेज को लिया हूँ, R में दे दिया हूँ, जो Y फेज ये लिया हूँ, इसको B में दे दिया हूँ, और जो B फेज लिया हूँ, इसको Y में दे दिया हूँ। तो इसके वजह से क्या हुआ ना, जब मेरा रिवर्स चलना होगा, तो दो फेज ऑल्टरनेट हो जाएगा, जिसके कारण मेरा मोटर जो है फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में चलता रहेगा। अभी जानते हैं ये आइडियल स्टार्टर कहाँ कहाँ यूज होता है। तो दोस्तों, आपको पता है जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया में कन्वेयर सब चलता है, जो कि मटेरियल शिफ्टिंग होता है, तो उसमें यूज होता है कन्वेयर में। आपका मिक्सचर मशीन जिसमें मिक्स करते हैं, उसमें फॉरवर्ड रिवर्स करने के लिए लगा रहता है आरडीओ स्टार्टर। तो इस आरडीओ स्टार्टर का काम यही है, हम लोग बहुत जगह में भी यूज किया है, प्लांट में बहुत जगह यूज रहता है। तो आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उस जगह में लगा सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है, पावर डायग्राम और कंट्रोल डायग्राम। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।